एक अच्छा क्वालिटी का कंटेंट जब आप एक नया यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग से ही डालना स्टार्ट कर देते हो एंड रेगुलरली उस चैनल पर काम करते हो तो उस चैनल को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ यूट्यूबर्स का एग्जाम्पल लूंगा एंड उसका चैनल क्यों ग्रोथ हो रहा है मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि मैं आप लोगों के सामने मनोज दे टेक चैंपियन सपोर्ट, नित्य के सपोर्ट एंड एक लास्ट यूट्यूबर है जिनका नाम है यशवंत टेक, जिन्होंने अभी एक नया यूट्यूब चैनल खोल के रखा है। यशवंत टेक भाई साहब ने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है। उन्होंने उनका पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, उस चैनल पर उन्होंने तकरीबन 500 से 700 के आसपास वीडियो अपलोड कर चुका था, लेकिन उस चैनल को उन्होंने ग्रोथ नहीं कर पाया था। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ही दिल और दिमाग लगा के काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उस चैनल पर ग्रोथ नहीं देखने को मिला था। उसके बाद उन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल खोल लिया एंड उस चैनल पर अच्छा खासा स्टार्टिंग से ही व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब हर एक वीडियो जब पोस्ट करे उसके बाद उस हर एक वीडियो के अंदर 1K के आसपास व्यूज़ आना स्टार्ट कर चुका है एंड कुछ वीडियो वायरल हो जाता है तो 21K, 22K, 30K इस टाइप का व्यूज़ आना स्टार्ट कर चुका है। मैं इन चारों यूट्यूबर का सच्चाई बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा। मनोज देव भाई साहब का बहुत ही पुराना यूट्यूब चैनल है, मैं सभी यूट्यूबर का सच्चाई बताऊंगा। ओके, तो आप वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले बजे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा। टेक्निकल मनोज, मतलब मनोज देव भाई साहब का पहले एक यूट्यूब चैनल था जिनका नाम था टेक्निकल मनोज। उस चैनल पर उन्होंने बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, मतलब लगभग 2 से 3 साल के आसपास उन्होंने उस चैनल पर काम किया, लेकिन उस चैनल को उन्होंने ग्रोथ नहीं कर पाया था। उस चैनल पर जब वीडियो पोस्ट कर रहा था तो उस चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा था, क्लियर ना, कोई भी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा था। मतलब वीडियो के अंदर 10, 20, 30 इस टाइप का व्यूज़ आ रहा था। उस टाइम पर एक प्रॉब्लम चल रहा था कि अगर वीडियोस के अंदर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो CTR रेट बढ़ जाएगा, उसके बाद उस चैनल का अर्निंग बंद हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था मनोज देव भाई साहब का। उन्होंने पहले टेक्निकल मनोज यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा था, लेकिन उस चैनल पर व्यूज़ ना आने के कारण वाला चैनल उनका बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं माना एंड एक नया यूट्यूब चैनल खोल लिया एंड फिर से नया तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये वाला नया चैनल को बहुत ही जल्द उन्होंने ग्रो कर लिया था एंड अच्छा खासा अर्निंग भी कमा रहा है। दूसरा बात बताऊंगा आप लोगों के सामने, टेक चैंपियन सपोर्ट एंड नित्य के सपोर्ट, इन दोनों यूट्यूबर भी एक पुराना यूट्यूबर है। इन दोनों ने पुराना यूट्यूब चैनल से बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग किया था। उसके बाद जब नया यूट्यूब चैनल खोल लिया तो इस नया यूट्यूब चैनल को भी बहुत ही जल्द ग्रो कर लिया। क्यों बहुत ही जल्द ग्रो कर लिया, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे। एंड जो यशवंत टेक भाई साहब है, इनका पहले भी एक चैनल था जिस चैनल पर 500 से 700 के आसपास वीडियो पोस्ट कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी उस चैनल को ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उस चैनल पर उन्होंने काम करना छोड़ दिया एंड नया यूट्यूब चैनल खोल लिया जिसका नाम है यशवंत टेक। इस चैनल तकरीबन 1 महीने के अंदर ही खुल के रखा है। अभी इस चैनल पर अच्छा खासा व्यूज़ आना स्टार्ट कर चुका है, मतलब हर एक वीडियो के अंदर 1K के आसपास व्यूज़ आ रहे हैं, क्लियर ना। और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को इन्होंने बहुत ही जल्द ग्रो कर लेगा अगर इसी तरह से इस बंदे ने इस चैनल पर इसी तरह से काम करता रहेगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इसका पीछे कारण क्या है? देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके अंदर स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा खासा है, क्लियर ना, मतलब ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बंदा यूट्यूब पर बहुत ही दिल और दिमाग लगा के काम कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है, रेगुलरली यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है, बहुत ही रिसर्च कर रहा है, लेकिन चैनल को ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। मतलब उनका मेहनत बिल्कुल पानी में चला जा रहा है। तो अगर आप भी, अगर आप एक मेहनती यूट्यूबर हैं एंड यूट्यूब चैनल को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे इस ट्रिक को अगर आप अपनाओगे तो आपको भी बहुत ही जल्द सक्सेस होने वाला है। और क्या ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप बहुत दिनों से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, बहुत ही वीडियो अपलोड कर चुका है, लेकिन आपका यूट्यूब चैनल का ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, आप हाल ही में जो वीडियो अपलोड कर रहे हो उस वीडियो को मतलब क्लिक करके देख रहे हो एंड एक पॉपुलर यूट्यूबर का वीडियो को कंपेयर करके देख रहे हो कि आपका भी वीडियो का क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा है, मतलब एक पॉपुलर यूट्यूबर की तरह है, लेकिन आपका चैनल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका पीछे एक ही कारण है दोस्तों कि आपका चैनल बिल्कुल बैठ चुका है, मतलब आपका चैनल का कभी भी ग्रोथ नहीं होगा। अगर आपने यूट्यूब पर बहुत दिनों से काम करने के बाद आपने बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो एंड आपका चैनल को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आपका मेहनत बिल्कुल पानी में चला जा रहा है, तो अगर आप भी एक नया यूट्यूब चैनल खोलोगे एंड नया यूट्यूब पर काम करोगे तो आपको भी बहुत ही जल्द सक्सेस मिलने वाला है, क्लियर ना। अगर आप देखोगे कि मनोज देव भाई साहब ने पहले जो यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा था, यशवंत टेक भाई साहब ने जो पहले यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा था, तो उन दोनों बंदे ने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, क्लियर, व्यूज़ भी नहीं ला पा रहा। उसके बाद मनोज देव भाई साहब का पहला चैनल का अर्निंग बंद हो चुका था, उसके बाद उन्होंने नया यूट्यूब चैनल खोल लिया था, लेकिन उनके अंदर तो यूट्यूब के रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंस था,
उस एक्सपीरियंस के साथ जब नया यूट्यूब चैनल खोल लिया तो उन पर कंटेंट स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा डाल रहा था। उसके बाद उन्होंने दूसरा चैनल को बहुत ही जल्द ग्रो कर लिया था एंड वो दूसरा चैनल अभी भी चल रहा है एंड उस चैनल से बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कमा रहा है। यशवंत टेक भाई साहब का भी पहला का चैनल से अर्निंग नहीं हो रहा था, व्यूज़ भी नहीं आ रहा था, दूसरा चैनल जब उन्होंने खोल लिया तो उस चैनल पर बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम लोग पहले यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा नॉलेज बिल्कुल यूट्यूब रिलेटेड जीरो है, बिल्कुल जीरो, मतलब यूट्यूब के बारे में कुछ जानते नहीं है। उसके बाद भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वीडियो का क्वालिटी, कंटेंट, थंबनेल का क्वालिटी, टाइटल सब कुछ थर्ड क्लास डालते हैं एंड वीडियो को पोस्ट करते हैं, क्लियर ना। इसी तरह से थर्ड क्लास डालते डालते एक समय ऐसा हो जाता, बहुत दिनों से काम करने के बाद यूट्यूब के ऊपर अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, क्लियर ना। एंड अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेने के बाद जब अच्छा क्वालिटी का कंटेंट डाल रहा हूँ उसके बाद भी वो वाला चैनल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस चैनल पर आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कर चुके हो, क्लियर ना। अभी उस चैनल पर आप अर्निंग नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा था, अभी भी आपका ग्रोथ होने का चांसेस नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप भी एक मेहनती यूट्यूबर हैं एंड बहुत दिनों से काम कर रहे हैं एंड आपका चैनल का ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चैनल पर काम करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों से काम कर रहे हो लेकिन आपका चैनल का ग्रोथ नहीं हो रहा एंड आपका वीडियो का क्वालिटी जब बड़ा यूट्यूबर के साथ कंपेयर करके देख रहे हो तो आपका भी वीडियो का क्वालिटी बहुत ही अच्छा डाल रहे हो, क्लियर ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हो, अच्छा थंबनेल डाल रहे हो, अच्छा टाइटल डाल रहे हो, उसके बाद भी आपका चैनल का ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चैनल पर काम करना छोड़ दीजिएगा एंड एक दूसरा चैनल बना लेना एंड दूसरा चैनल पर भी वीडियो अपलोड करना एंड आप एक और भी काम कर सकते हो, मतलब जो आपका पुराना यूट्यूब चैनल है उस चैनल पर भी कभी कभी वीडियो अपलोड करो, क्लियर ना। एंड एक नया चैनल बना लो एंड नया चैनल पर भी काम करना स्टार्ट कर दो एंड रेगुलरली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो।